हाय स्टूडेंट्स, हम अध्याय 3 संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। 3 प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं, अब हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि क्या था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लिखते हैं। तब तक इस पे आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है साथ साथ इसको। पहला, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में। सेकंड है हमारा, पैराशूट के निर्माण में उपयोग होने वाले रस्से के तौर पर। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य पदार्थों के संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो चलिए हम फटाफट अपनी नोटबुक में लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, जैसे कि आपको याद होगा कि ये अनअभिक्रियाशील है, मतलब ये किसी भी रखी हुई वस्तु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अनअभिक्रियाशील है। दूसरा, ये हल्के, प्रबल और चिर स्थायी हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारा, इनको किसी भी आकार, रंग, रूप में ढाला जा सकता है। उम्मीद है आपने 3 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। वैसे तो जैसे आपने पुराने वीडियो में देखा है तो कुछ तो आपको याद होगा, लेकिन चलिए हम चूंकि लिख रहे हैं तो नोटबुक में हमें उतारना है, तो साथ साथ आप मेरे भी उतारिए। पहला इसका पॉइंट है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको ऊष्मा देकर नरम किया जा सकता है। इस प्लास्टिक को ऊष्मा देकर नरम किया जा सकता है। नेचुरली जब हम किसी के बीच में अंतर देखते हैं तो एक ठीक उसके दूसरे के उलट होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इसके जस्ट उलट आएगा कि इस प्लास्टिक को ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। मतलब आपने एक बार ढाल दिया तो ढाल दिया, दोबारा आप इसको ऊष्मा देकर नरम नहीं कर सकते हैं। इसके उदाहरण है पॉलिथिन जिसको हम रोजाना यूज करते हैं, पीवीसी पाइप्स, खिलौने, कंघियां जो हम रूटीन में घरों में यूज करते हैं, वो इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण है बैकेलाइट एवं मेलामाइन। उम्मीद है बच्चे आपने इसको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम with Star Teachers of Faridabad.